हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस वाले में। आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड अजम्पशंस, एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। राइट, उससे पहले हम लोग एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस किया था कि भाई मार्केट होता क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट, एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू द डीप डिस्कशन। एक एक मार्केट सेगमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। होप आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, होप आपको समझ भी आता होगा। कुछ भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ गाइज कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन दे सकें। राइट, सो एक बार फटाफट पहले डिस्कस कर लेते हैं मार्केट। राइट, मार्केट इज़ अ प्लेस और अ सिचुएशन वेयर ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेड होता है किसके बीच में, सेलर्स एंड बायर्स। आपने पैसा दिया, आपने सामान खरीदा, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेड। राइट ना, सो ये मार्केट है। और मार्केट में कितने टाइप्स के मार्केट हैं वो हैं आप देखिए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। राइट, परफेक्ट कंपटीशन को आज हम लोग ले रहे हैं। पूरा परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस करेंगे, डायग्राम के साथ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके अजप्शंस क्या क्या होते हैं, इम्प्लीकेशंस। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, द मार्केट सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स एग्जिस्ट एंड सेल्स होमोजीनस प्रोडक्ट ऑन ए गिवन प्राइस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो, अगर डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ईजिली उसको समझ लो, अपने लैंग्वेज में उसको लिख लीजिएगा, नंबर पक्का मिल जाएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का पूरा अगर क्वेश्चन आता है कि भाई वॉट इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक विद द इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये भाई 6 नंबर से नीचे नहीं आएगा। और शॉर्ट शॉर्ट इसमें आप 6 नंबर ला सकते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिस्कस करते हैं। मार्केट सिचुएशन, देखिए जो वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस उतने उतने कीवर्ड्स को भी याद रखेंगे, आप डेफिनेशन अपने आप ही बना लेंगे। द मार्केट सिचुएशन जहाँ पे लार्ज नंबर कौन, सेलर और बायर एग्जिस्ट, मिलते हैं और बेचते हैं होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ए गिवन प्राइस, MRP। राइट, सो परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर एग्जिस्ट एंड सेल्स होमोजेनस प्रोडक्ट। एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं लाइक शॉप्स, और सेम टू सेम सामान बेचते हैं एक फिक्स प्राइस पे, उसको कहते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन। राइट, समझ में आ गया होगा आपको। सो नाउ अगर देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि भाई फीचर्स पूछें, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछें, अजप्शंस पूछें, तीनों चीज़ एक ही होती है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आया हूँ, इसने तो फीचर्स पूछ लिया एग्ज़ाम में, भाई मैं तो फीचर्स पढ़ के आया हूँ, अजप्शन पूछ लिए, तो उसमें कंफ्यूज़ नहीं होना है आपको, तीनों चीज़ एक ही है। छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं यार, बस में चलते हुए, कहीं पे खड़े हो, तुरंत देख लिया करो, याद रहेगा आपको, एग्ज़ाम में बहुत मदद आएगी। राइट ना, सो अब इसको डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए आप पॉइंट ही लिखा, मैंने इतना डीप में इसको नहीं लिखा, बिकॉज मेरे हिसाब से आपको टेंशन नहीं देना है, बस ये पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, इसका इम्प्लीकेशन सब कुछ मैं ओरली बता रहा हूँ, आप ईजिली समझ जाएंगे। राइट, सो नंबर वन, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर, ये मैंने डेफिनेशन में ही आपको बता दिया, अगर आपको याद हो, इसलिए बोल रहा था कि भाई कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स मतलब लार्ज सेलर्स, लार्ज बायर्स, मैंने आपको पहले बता दिया। जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, तो भाई क्या होगा, उसका अजप्शन क्या होगा, तो उसका अजप्शन में ऐसा है। सो भाई, जब ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, नो वन कैन इंडिविजुअली इफेक्ट द मार्केट प्राइस। राइट, अगर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, तो भाई इंडिविजुअली कोई भी प्राइस चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज उसको मार्केट में टिके रहना है। राइट, तो अब आप पूछेंगे कि सर तो फिर इक्वेरीबिलम प्राइस कहाँ से आएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर में है ना कि भाई इक्वेरीबिलम प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो उसको हम इधर से क्लियर कर देते हैं ना कि है क्या।
राइट। सो नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स में है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स एंड सेल्स होमोजीनस प्रोडक्ट एंड नो वन कैन इंडिविजुअली इफेक्ट द मार्केट। कोई भी अकेले मिलकर मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता है। सो द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ऑब्टेन बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से ही इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा, राइट। अब सेकेंड देखते हैं, एंट्री एंड एक्सिट, सॉरी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, भाई किस टाइप का नेचर है। फिर से डेफिनेशन को याद करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको एक वर्ड हाईलाइट कराया था, देखिए दोबारा बता देता हूँ, ये रहा होमोजीनियस, आपको राइट डाउन मैंने कराया था। सेकेंड अजप्शन और कैरेक्टरिस्टिक भी हमें डेफिनेशन से मिल गए कि भाई नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट है, राइट। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या रहेगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट है मतलब सेम कलर है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है सॉरी, साइज, शेप, ब्रांडिंग, इवन द सेलिंग एक्टिविटीज आर ऑल्सो सेम। सो द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, मतलब सेम रहेगा, ओके। सो दो चीज़ डिस्कस हो गया डेफिनेशन से। अब इसके बाद याद करने वाली चीज़ है कि भाई एंट्री एंड एग्जिट क्या रहेगा, राइट। सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहेगा कि जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मार्केट में आए ना आए, क्योंकि देखिए जब सब एक ही दाम पे कोई सामान बेच रहे हैं तो भाई सबको इक्वली प्रॉफिट हो रहा होगा ना, राइट। तो एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री, मतलब एनीवन कैन एंटर इनटू द मार्केट और क्विट द मार्केट, राइट। तो भाई इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन होगा कि जब सब लोग सेम दाम पर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं मतलब नॉर्मली लॉन्ग रन में सबको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसी को नहीं होगा, राइट। इसके बाद पांचवा डिस्कशन करते हैं, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। हाँ भाई सीधी सी बात है, तो बहुत सारे बायर हैं सेलर हैं तो भाई सबको मार्केट का नॉलेज है, कोई किसी को पागल नहीं बना सकता। अगर आपको कोई आइटम 100 का मिल रहा है, दूसरा कस्टमर बोल रहा है कि भाई 110 में, दूसरा सेलर बोल रहा है कि भाई 110 में मिलेगा, तो भाई आप तो एजुकेटेड है ना कि MRP 100 रुपये का, तो आप 100 का ही कर देंगे ना, तो कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, राइट। इसके बाद है फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, भाई सब जगह एक ही दाम है तो भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी हर जगह एक ही दाम रहेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हर जगह सेम रहेगा तो आपका वेज भी उतना ही मिलेगा, राइट। सो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हर जगह एक ही दाम पे सामान मिल रहा है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ से आएगा। ड्यू टू द फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑल द कमोडिटीज हैव द सेम प्राइस एट ईच प्लेसेस, समझ रहे हैं आप। तो नंबर ऑफ सेलर्स हो गया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, एंट्री एंड एग्जिट हो गया, परफेक्ट नॉलेज हो गया, फ्री मोबिलिटी है, नो ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं रहता है, कस्टमर ऑलरेडी एजुकेटेड है, वाई दे शुड पे मोर अमाउंट देन MRP। सो उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट मतलब ऑल द फर्म्स आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट, राइट, सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो भाई जब सब बेच रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपको इंडिविजुअली नहीं करना है ना, सो देयर इज़ नो नीड टू एडवर्टाइज। ऑल्सो बायर्स हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बायर्स को परफेक्ट नॉलेज है कि भाई कौन सा आइटम कितने मिल रहा है, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपकी जीरो ही रहेगी, राइट। अब दोबारा एक फटाफट क्विक रिविजन कर लें, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स मतलब ज़्यादा बायर रहेंगे, ज़्यादा सेलर रहेंगे, कोई प्राइस पे इफेक्ट नहीं कर सकता, नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम रहेगा, एंट्री एग्जिट फ्री रहेगा, परफेक्ट नॉलेज सब लोग पढ़े लिखे हैं, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी नहीं, सेलिंग कॉस्ट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि भाई मार्केट में सेम प्रोडक्ट है, राइट। कौन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उठाएगा, कोई नहीं, सब लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं अपने लेवल पे, राइट। सो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आपको होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको टाइप करके आपको दिखाऊँ ना तो भाई पक्का आप बोर हो जाएंगे, 5-10 पेज का रहेगा, एक एक चीज़ मैं रीडिंग करूँगा तो समझाने का फ़ायदा क्या, जब मैं आप सेम टू सेम देख के और बस देख रहे हो, राइट ना। सो यहाँ पे ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका ख़त्म हुआ, राइट। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होगी तो फटाफट से एक लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो लाएँ सबसे पहले आपको अपडेट मिले। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।